अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज की मेरी वीडियो बेबी गर्ल्स वेलवेट फ़्रॉक डिज़ाइंस के बारे में है इसमें आपको वेलवेट की बेबी गर्ल्स की फ़्रॉक्स के बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे अगर आपके पास घर में कोई पीस वेलवेट का कोई पीस बचा हुआ है तो आप उसको कैसे यूज़ करके फ्रॉक बना बना सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा सा पीस बचा हुआ है तो आप कैसे सिर्फ सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं पेटी के ऊपर नीचे नेट या डामा बार को यूज़ करके फ्रॉक को डिजाइ फ्रॉक को आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसी तरह अगर आपका कोई पुराना वेलवेट का सूट बच बच्चा पड़ा है घर में तो आप उसके कटिंग करके जैसे आप उसकी कटिंग करते हैं उसके शर्ट का फ्रंट पीस और बैक पीस निकाल लें उससे आप कैसे पीसेस को जोड़ के फ्रॉक को डिज़ाइन कर सकते हैं आप इसमें नेट को भी यूज़ कर सकते हैं आप लेसिस को डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं जैसे इन्होंने सिर्फ पेटी बनाई है छोटी सी कुर्ती और नीचे उन्होंने लहंगा साथ बना लिया है यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पेटी को बनाया और नीचे नेट की फ्रेल बना लिया जैसे आप चाहें आप वैसा डिज़ाइन आपको वैसे डिज़ाइन मेरी इस वीडियो में मिलेंगे आपको यहाँ पर हर एज के बच्चों के लिए आ, मिलेंगे दस साल तक स्पेशली हर एज के हिसाब से आपको मिलेंगी वेलवेट बाज़ार में मेरे के लिए कुछ स्पेसिफ़िक कलर्स में मिलती है जो में ब्लू है ब्लैक है ग्रीन है रेड है मरून है पर्पल है आपको अपने बेबी के आ, स्किन की टोन के हिसाब से उसके साथ कलर मैच करना चाहिए ताकि उस आ, वो देखने में प्यारा लगे अगर आपके बेबी की स्किन टोन थोड़ी लाइट है मतलब वो वाइट कलर है उसका तो आप उसके आपको उसके लिए डार्क कलर्स को चूज़ करना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे लेकिन अगर आपके बेबी के स्किन टोन थोड़ी ज़्यादा डार्क है तो वो प्लीज़ डार्क कलर्स मत चूज़ करें क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा डार्क लुक क्रिएट कर देंगे तो उनके लिए लाइट कलर्स को यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें आपको अगर कोई स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप उस स्टाइल को दस साल से बड़े बच्चे के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें बेसिकली ज़्यादातर साड़ी की साड़ी फ्रॉक्स हैं आप फ्रॉक्स के साथ नीचे वेलवेट की सेम कैपरी प्लाजो कुछ भी चुड़ी पजामा जो आप आ, साथ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं और अगर आप साथ सेम आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप बाज़ार से बनी बनाई कैपरीज़ मिलती हैं आप वो कैपरीज साथ लगा सकते हैं स्पेशली जो वाइट कलर की कैप्री होगी वो इन सारे डार्क कलर्स के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी इसी तरह आप इसके साथ गोटा वर्किंग कर सकते हैं मिरर वर्क कर सकते हैं लेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं स्पेशली यहाँ पर जामा वार का को भी बहुत ज़्यादा वेलवेट के साथ यूज़ किया जाता है आप जामवार को यूज़ कर लें जैसे जिस चीज़ को आप चाहें उस स्टाइल कर सकते हैं साथ उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना और आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके थैंक यू अरे हाफिज़